हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं और आपकी एग्जाम के प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि होने वाला है 132 बीसीएससी 132 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कि क्रिएटिविटी, इन्वेंशन और इनोवेशन में क्या डिफरेंस है। अगर आप इस टॉपिक को कर लेते हैं तो आप इन सब के डेफिनेशन को भी समझ जाएंगे और इन सब का डेफिनेशन भी आप चाहें तो खुद से बना करके एग्जामिनेशन में लिख सकते हैं। तो डिफरेंस करने के दो फायदे हैं, एक तो आपको डेफिनेशन भी समझ में आ जाएगा और तीनों में क्या अंतर है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। सो लेट स्टार्ट दिस टॉपिक। उसके पहले मैं कुछ चीजें आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपको करना क्या है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना है ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ ही साथ मैं चाहूंगा कि आप हमारे चैनल के एक्सक्लूसिव मेंबरशिप प्लान को ज्वाइन कर लिए, जिसके लिए आपको इस जानने वाले बटन के ऊपर क्लिक करना होगा। यहाँ नीचे की तरफ आप आएंगे, आपको इग्नू बीकॉम नाम से यहाँ पे एक दिखेगा, यहाँ पे आकर के आपको हमारे चैनल को ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पे आपको ढेर सारी बेनिफिट्स मिलेंगी, आपको असाइनमेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, आपको बहुत ही सस्ते दामों पे डिस्काउंटेड नोट्स मिल जाएंगे, साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा 24/7 हमारी तरफ से, जब तक कि आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता है। ठीक है, सो दीज आर द बेनिफिट्स यू विल गेट। इसके साथ में ये भी बताता चलूं कि आप चाहें तो हमारे चैनल पे स्टडी करने के लिए हमारे प्लेलिस्ट का यूज कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में अगर आप आकर के डायरेक्टली स्टडी करेंगे तो आपके लिए ज्यादा सहूलियत होगी। प्लेलिस्ट में सारी की सारी वीडियोस वन बाय वन सजाई हुई हैं, जिनको देख करके आप डेफिनेटली एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। सिंपल सा प्रोसेस है, हमारे चैनल पे जाने के बाद आपको प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करना है, नीचे की तरफ आना है, इग्नू बीकॉम न्यू इसके ऊपर जाना है, आपको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जहाँ पे ढेर सारी वीडियोस हैं जिनको देख करके आप एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। तो चलिए फिर आज के हमारे टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है डिफरेंस बिटवीन क्रिएटिविटी, इन्वेंशन एंड इनोवेशन। तो क्रिएटिविटी, सबसे पहला जो डिफरेंस है वो ये है कि क्रिएटिविटी इज नोवेल आइडियाज दैट आर कम्युनिकेटेड यूजफुल एंड अपीलिंग। क्रिएटिविटी मतलब वो सारी आइडियाज होती हैं, नोबेल आइडियाज होती हैं, जो कि कम्युनिकेट की जाती हैं, जिनका यूजफुलनेस होता है और बहुत ही अपीलिंग होती है, मतलब जिनको देख करके सुन करके लोग कहते हैं कि वाह क्या आइडिया है भाई। तो इसको बोलते हैं क्रिएटिविटी, किसी काम को अपने अंदाज में कुछ इस तरीके से करना कि लोगों को बहुत ही ज्यादा अपीलिंग वो लगे। इन्वेंशन का मतलब होता है टू क्रिएट समथिंग न्यू, आप कुछ नया क्रिएट कर रहे हो उसे हम बोलेंगे इन्वेंशन, ठीक है ना। इनोवेशन का मतलब होता है मेकिंग द इन्वेंशन इनटू अ प्रोडक्ट फॉर्म, आपने कोई इन्वेंशन करा था उसको आपने एक प्रोडक्ट में तैयार कर दिया, उसको उससे उसके जरिए आपने एक प्रोडक्ट बनाया तो उसको हम कहेंगे इनोवेशन, ठीक है ना। सिंपल सा बात है, क्रिएटिविटी किसी काम को करने का यूनिक तरीका जो कि अपीलिंग हो, यूजफुलनेस और कम्युनिकेट किया जा सके। इन्वेंशन कोई एक नया चीज जो कि आपने तैयार करा है। इनोवेशन उस नए जो आइडिया है आपके दिमाग में, जो भी चीजें आपने तैयार करी उसके बेसिस पे आप एक प्रोडक्ट बनाते हो जो कि इन्वेंशन के बेसिस पे बना है, तो वो हो गया इनोवेशन। दूसरा है क्रिएटिविटी इज अ फजी आइडिया। क्रिएटिविटी जो होता है वो बहुत ही फजी आइडिया होता है एंड कैन नॉट बी क्लैरिफाइड अंटिल इट इज मेड इनटू प्रोटोटाइप, और ये तब तक आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आप इसका कोई प्रोटोटाइप तैयार ना कर लो। प्रोटोटाइप का मतलब होता है कि ऐसा कोई चीज जो कि एक तरीके से स्टार्टिंग प्रोडक्ट होता है। सपोज मुझे बाइक ही बनाना है तो उसका मैं सबसे पहले प्रोटोटाइप बनाऊंगा ताकि मुझे पैसे मिले, ताकि मैं और अच्छी तरीके से उस बाइक को बना पाऊं। प्रोटोटाइप मतलब एक तरीके से एग्जांपल है ना, जैसे वो डमी फोन्स होते हैं ना, आप फोन जब लेने के लिए जाओगे तो देखना आपको दुकानदार डमी फोन्स दिखाते हैं कि देखो आपका फोन इस तरीके का देखने में होगा, लो किस तरीके का होगा। तो जो डमी फोन्स होते हैं उसको आप प्रोटोटाइप बोल सकते हो, हालांकि उसको भी प्रोटोटाइप बोलना गलत होगा क्योंकि प्रोटोटाइप में फीचर्स होते हैं, आप कुछ कुछ काम उसमें कर सकते हो, ऐसा नहीं कि सारे काम ही आपके बंद रहेंगे डमी फोन्स की तरह। तो क्रिएटिविटी में ये सारी चीजें होती हैं। इन्वेंशन हो गया अ न्यू टू द वर्ल्ड डिस्कवर्ड और क्रिएटेड, आपने पूरी दुनिया के लिए कुछ ऐसा चीज बनाया जो कि पूरी दुनिया के लिए नहीं है, या आपने कुछ ऐसा क्रिएट करा जो कि पूरी दुनिया के लिए ही नहीं है। इनोवेशन इज अबाउट चेंजिंग अ पैटर्न फॉर डूइंग समथिंग। इनोवेशन का मतलब होता है कि आप किसी पैटर्न को एक तरीके से दरकिनार कर रहे हो, आप किसी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे हो, आप कुछ नया पैटर्न फॉलो कर रहे हो, नए तरीके से आप किसी काम को कर रहे हो, उसको हम बोलते हैं इनोवेशन, ठीक है। क्रिएटिविटी बेस्ड ऑन थिंकिंग अप एंड न्यू थिंग, है ना। क्रिएटिविटी जो होती है वो एक्चुअली नई चीज के ऊपर बेस्ड होती है, मतलब आप कुछ यूनिक करते हो, कुछ डिफरेंट करते हो, जिससे कि वो जो है क्रिएटिविटी कहलाती है। इन्वेंशन जो होता है बेस्ड ऑन प्राइमरी साइंटिफिक स्किल्स, इसके आपके पास जो प्राइमरी जो बेसिक स्किल्स हैं आप उसके बेसिस पे इन्वेंशन को करते हो। इनोवेशन का मतलब होता है बेस्ड ऑन ब्रॉड सेट ऑफ स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग एंड टेक्निकल स्किल्स, है ना। तो इनोवेशन जो होता है वो बेस्ड होता है स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग और टेक्निकल स्किल्स के ऊपर। सो दीज आर द थ्री डिफरेंसेस बिटवीन द क्रिएटिविटी, इन्वेंशन एंड इनोवेशन। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं था बट बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था। तो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करें। बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखो, बाय बाय, थैंक यू।